ब्यावर पिंडवाड़ा फोन लाइन स्थित पालड़ी एम थाना क्षेत्र में उथमण टोल प्लाजा पर शनिवार जल्दी सुबह करीब 3:46 पर तीन ट्रक चालकों ने ओवरलोड पेनाल्टी की बात को लेकर टोल पर बैठे कर्मचारियों से झगड़ा फसाद कर लिया तथा वहां को आड़ा तिरछा खड़ा करके राजमार्ग भी जाम कर दिया। बाद में पल्लियम पुलिस मौके पर पहुंची तथा ट्रक चालकों को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर थाने ले गई। जानकारी के मुताबिक उथमण टोल प्लाजा के मैनेजर संदीप शर्मा ने पालड़ी एम पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि शनिवार सुबह करीब 3:46 पर तीन ट्रक ड्राइवर ने ओवरलोड पेनाल्टी की बात को लेकर टोल पर बैठे कर्मचारी के साथ पहले तो बहस शुरू की, बाद में लड़ाई झगड़ा कर हाथापाई पर उतर गए। इस दौरान मारपीट कर उन्होंने टोल कर्मचारी सोहनलाल हीरागर के सर पर चोट पहुंचाई तथा ट्रक चालक ने तलवार निकालकर उसे मारने की धमकी दी। उन्हें समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने उनके ट्रकों को आड़ा खड़ा कर सभी लाइनों को बंद कर दिया, जिसे देखते हुए लंबा जाम लग गया, जिसे कुछ इमरजेंसी वहां भी आकर फंस गई। उन्हें जब समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने सुबह 5:17 पर टोल प्लाजा के बैरियर खोल दिए, जिससे वहां लगे वाहनों की लंबी कतार बिना टोल का भुगतान किए वहां से रवाना हो गई, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं कंपनी को करीब 1.5 लाख रूपये का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा यातायात जमकर पब्लिक न्यूसेंस पैदा किया गया। घटना की सूचना मिलने पर पालड़ी एम थानाधिकारी दल सहित मौके पर पहुंचे तथा वहां पर खुराफात कर रहे ट्रक ड्राइवर लवप्रीत सिंह पुत्र संतोख सिंह जाट और हरजीत पुत्र सुखदेव सिंह को पकड़कर थाने ले गई, जबकि तीसरे ट्रक का ड्राइवर वहां लेकर घटनास्थल से फरार हो गया।